तो दोस्तों कैसे हो आप, फिटनेस फाइटर्स में आपका एक बार वापस से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिएटिन के बारे में दोस्तों, और क्रिएटिन की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि क्रिएटिन कितने टाइप के होते हैं और बॉडी में फंक्शंस कैसे करते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो बात करते हैं हम क्रिएटिन के बारे में। बहुत सारे लोगों का सवाल है क्रिएटिन क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, और क्या जो नॉनवेज खाते हैं उनको क्रिएटिन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन है क्या? क्रिएटिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, और 95% हमारे स्केलेटल मसल में वो पाया जाता है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है और हमारा जो ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो एनर्जी सिस्टम है उसे बढ़ा देता है। जो ATP जिसे हम बोलते हैं वो वैसे तो बढ़ता है, लेकिन क्रिएटिन लेने की वजह से वो और भी ऊपर शूट करता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हो विदिन 2 to 3 weeks आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा। सो ये क्रिएटिन का एक्चुअली मेन काम होता है। उसके अलावा उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्रिएटिन इज सिमिलर टू एमिनो एसिड्स जो एज ए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है और हमारी मसल्स की रिकवरी भी करता है। सो उस बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पाए जाने वाले मार्केट में जो क्रिएटिन कौन से मिलते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, HCL, नाइट्रेट, ग्लूकोनेट सीरम, ये सब टाइप के क्रिएटिन जो है वो मार्केट में मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा लेने वाला जो क्रिएटिन जो पाया जाता है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। रीजन सिंपल है, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट सस्ता मिलता है, बाकी सबकी अब्सॉर्प्शन भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, और क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की वो ज्यादा रहती है, और ज्यादा करके एथलीट्स लोग इसे रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट जो है वो मैं रिकमेंड करता हूँ आप सभी लोगों को। और मैं ये भी आपको ये बताऊंगा कि जो क्रिएटिन जब लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले जब क्रिएटिन लेते हैं तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो है ताकत बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ATP बढ़ा देना मींस ऐसे एनर्जी सिस्टम को बढ़ा देता है। सो वही जो जैसा आप क्रिएटिन का इंटेक करते हो तो तुरंत नहीं, 2 to 3 हफ्ते बाद जो है आपको वो स्ट्रेंथ महसूस होगी। सेकेंड चीज जो है हमारा जो है ब्रेन का फंक्शन वो पहले से बेटर कर देता है। अगर कोई आपका सॉरी हमारे जो ब्रेन के फंक्शन का वो पहले से बेटर कर देता है। थर्ड, इंक्रीज लीन मसल मास। जब क्रिएटिन इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जो है लीन मसल मास बढ़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी बढ़ जाता है। डिपेंड है कि आप उसे कैसा लेते हो। अगर आप उसे कार्ब्स के साथ में अच्छा इंटेक करते हो तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में थोड़ा सा वाटर रिटेंशन लेवल बढ़ेगा। सो जो पतले लड़कों को जो मसल मास जो चाहिए वो ओवरऑल जो है मसल मास बढ़ने में वो मदद करता है। फिफ्थ, जैसे कि मैंने बताया था कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है, ऐसे एमिनो एसिड्स की तरह भी काम करता है। सो वो मसल्स की रिकवरी भी करता है। एक्सरसाइज के बाद में पोस्ट वर्कआउट से ज्यादा करके लिया जाता है प्रोटीन के साथ में या कार्ब्स के साथ में, ताकि वो जो है मसल्स की रिकवरी के लिए भी हेल्प करें। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है डायबिटीज को कंट्रोल करना। इसका जो है प्रॉपर क्रिएटिन का प्रॉपर यूज करने से जो है जिनको डायबिटीज की इश्यू है उसे भी जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। सो अभी हम बात करते हैं क्रिएटिन लेने के साइड इफेक्ट्स के बारे में। सो दोस्तों वैसे तो क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है और उसके ज्यादा करके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंटेशन के साइड इफेक्ट्स नहीं पाए जाते। लेकिन अगर एक्सेस यूज ऑफ क्रिएटिन अगर आप लेते हो तो आपके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपका सोच रहे हो किडनी इफेक्ट, उस बारे में भी बात में चर्चा करूंगा। देखिए इसमें गैस ट्रबल हो सकती है, वॉमिट आ सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं अगर इसका डोसेज वगैरह अगर ज्यादा लेते हैं तो। अगर आपकी बॉडी में क्रिएटिन लेवल बढ़ जाता है तो ये उसके साइड इफेक्ट्स है। जैसे मैंने बताया कि आपको गैस ट्रबल हो सकती है, नौसिया हो सकता है, आपको जो है वॉमिटिंग, आपको लूज मोशन हो सकते हैं। तो ये इसके एक्चुअल जो है बहुत ही बेसिक साइड इफेक्ट्स है कोई भी चीज ओवरडोज लेने के। सेकंड, जो लोग जो है रूमर्स बना के रखे हैं कि क्रिएटिन को एज अ प्री वर्कआउट लेना चाहिए, वो एब्सोल्युटली गलत है। मैं इसको साइड इफेक्ट्स में नहीं डाल रहा हूँ, मैं इसको मिथ में डाल रहा हूँ, क्योंकि लोग जो बोलते हैं कि प्री वर्कआउट में लोगे तो एनर्जी देता है तो वो गलत है। आपको अगर प्री वर्कआउट में लेना है ना तो आप कम से कम 2 to 3 घंटा पहले लीजिए, क्योंकि जब तक वो ब्लड से फ्लो होकर आपके मसल में नहीं आएगा ना तभी तक वो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। क्योंकि क्रिएटिन जो है बॉडी में स्टोर होता है उसके बाद में वो धीरे धीरे करके एज एन हमारी मसल्स में जब जाता है तभी वो एनर्जी सप्लाई करता है, तुरंत नहीं जाता है। तो इसे एज ए प्री वर्कआउट नहीं गिनना है इसे। अभी बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑन किडनी। दोस्तों अभी तक
किसी भी चीज में ये साबित नहीं हो पाया है कि क्रिएटिन लेने से जो है वो किडनी स्टोन होता है। मुझे भी जब एज अ टीनेजर था मुझे भी काफी सारे लोगों ने ये बताया था, लेकिन किसी के पास वो प्रॉपर सबूत नहीं है। काफी सारे लोग जो है बॉडी बिल्डर्स लोग वो दिन में 10-10 ग्राम 15-15 ग्राम भी क्रिएटिन खाते हैं, लेकिन उनको कोई भी जो है किडनी का साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जिनको हुआ है वो ये है कि उनको ऑलरेडी किडनी के इश्यूज हैं, उनको स्टोन का प्रॉब्लम है, उनकी मेडिकेशन चालू है, उनका किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, उनको यूरिन की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उनकी मेडिकेशंस की वजह से उनकी किडनी 100% फंक्शन नहीं करती है, जिसकी वजह से उनको किडनी की इश्यू आती है क्रिएटिन लेने पर। लेकिन मैं ये चीज बोलूंगा कि क्रिएटिन लेने पर नहीं, क्योंकि उनको ऑलरेडी किडनी में इश्यू है। जिनका किडनी का फंक्शन 100% प्रॉपर है उनको जो है क्रिएटिन लेने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। So, अभी हम चलते हैं दोस्तों डोसेज के बारे में। डोसेज ये है कि एक लोडिंग फेज आता है, एक नॉन लोडिंग फेज आता है। लोडिंग फेज में आपको दिन में जो है 20 ग्राम्स मतलब 15 टू 20 ग्राम्स ऑफ लोडिंग करना है क्रिएटिन की, और ये चलता है राउंड अबाउट 4 to 5 days के लिए। उसके बाद में 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे आप ले सकते हैं। अभी इसमें एक और एक मिथ ये है कि बोलते हैं कि आप जो है 2 महीना लो फिर बंद कर दो, फिर 2 महीना लो बंद कर दो, ऐसा नहीं होता है। आप क्रिएटिन को लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, क्योंकि एक सप्लीमेंटेशन है, आपका किडनी का फंक्शन में आपको किडनी में कोई इश्यू नहीं है, तो आप लीजिए। मेक श्योर कि आप वाटर का इंटेक जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे वाटर का इंटेक जो कम करते हैं उनको किडनी की इश्यू होती है। पानी का जो इंटेक जो होना चाहिए वो पर 20 केजी में 1 लीटर, मतलब आप इसका वजन अगर 60 किलो है तो उनको 3 to 3.5 लीटर पानी पर डे चाहिए ताकि उसका फंक्शन अच्छा हो। सो क्रिएटिन जो लेना है वो मैं रिकमेंड करूंगा 5 to 10 ग्राम्स अ डे, और अगर आप लोडिंग कर रहे हो तो 20 ग्राम्स अ डे, वो भी 4 to 5 दिन तक। सो 5 to 10 ग्राम जो है क्रिएटिन ले सकते हो, और मोस्टली आप पोस्ट वर्कआउट लीजिए। और क्रिएटिन अगर आप प्रॉपर लोगे तो डेफिनेटली जो है 3 हफ्ते में आपके रिजल्ट्स आएंगे। उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ब्रेन का फंक्शन अच्छा होगा, डायबिटीज को जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, लीन मसल मास गेन होगा, तो ये सब इसके बहुत सब इसके फंक्शंस है। लोडिंग आपको पता लग गई है कि कितना लोडिंग करना है, कितना अनलोडिंग फेस क्या रहता है, और इसे आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज दोस्तों ये वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमें फॉलो करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट स्टे ऑसम, मिलते हैं अगली वीडियो में।